तो सांग माने आज आम गोटे रेसीपी करवाक जाऊे आम कि छतु नहींचे तो यही रेसीपी बहुत किसी इनग्रीडियंट दरकार ना आन इनग्रीडियंट जोटा रहा यह सोरस तो देख पारे तो ठीक यही टमाटो को काटने तो सोरस फुटला समय टे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो मन रखिए ये छतु भजा कला बेले तो सांग मैंने देखु तो छतु बर्तमान आम प्रस्तुत ये सारी तो चलतु आपको आम टेस्ट करवा पूरा जबरदस्त हाय सांग मैंने मो लिपुन स्वागत करुच्ची मामा लिपु ओडिया ब्लॉग्स को तो सांग मैंने आज आम गोटे रेसीपी करवाक जाऊे ताला इंस्टेंट छतु तो छतु ऊपर गोटे रेसीपी करा जहाँ पिला बेले निजे से सेमिति करके खाऊली जहाँ आम बारिड़े बाली छतु मिले से बाली छतु को मुझे पिला जमी खाऊ स्टाइल करी कि बाली छतु नुह ठीक अलग छतु ये जो छतु मिलूँ से ही छतु कि टेस्ट पाखापाखि सेमती लगे तो निश्चित एमती ट्राए करेंगे तो चलतु से छतु प्रस्तुत करने जहाँ भी मुझे सामग्री नौ से सब कुछ गोटी गोटी कर तुम मानक प्रथम देखे नौपर आम स्टेप बाय स्टेप छतु प्रस्तुत करवा तो सांग मैंने देख पारे फास्ट अफ अल आम कि छतु नहींचे देख पारे ये छतु तो ये टाइप छतु ये मिले लोकाल छतु आम भी यही छतु मिले तो ये छतु को भी प्रस्तुत आम कर सेकेंड में यही सैज दुईटी प्याज नहीं देख पारे तो यही रेसीपी बहुत किसी इनग्रीडियंट दरकार ना ये टिके टिके मसला नहीं सब्जी मसला धनिया मसला ये लंका गुंड आए हल्दी गुंड आकला लंका आोटे टमाटो नहीं देख पारे बेस टमाटो दरकार ना आमर आए कि लंका आन इनग्रीडियंट जोटा रहा यह सोरस तो चलतु एवं स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत करवा प्रथम आम छतु आज टमाटो को काटिद तो टमाटो को देख यही भाव में आम काटिद प्रथम तार जम्फ को आम अलग करदे तो देख पारे तो ठीक यही टमाटो को काटिने तो ये मुझे टमाटो काटि नहीं प्याज देखा प्याज को केमी काटे तो देख पारे ये आराम से खोली कोटी कोटी सब हो तो यह भाव में पिज दुईट को काटिने तो सांग देख पारे एवं आम पिज को भल भाव काटी नहींचे आ टमाटो काटि नहीं लंका भी आगर मुझे काटि नहीं चारोटी लंका नहीं राग अनुसार आपरिवे मैंने देख छतु को कमी काटे मुझे देखे नौ देख छतु को धरवे तो स्लाइस करेंगे मझे स्लाइस करेंगे जब बड़ छतु होधिका भाग करेंगे नचे ये दुई भाग ही रखिए तो आपे आपे से छोट हो जाए तो यही स्लाइस करके सब जगह आम चलत कट करनवा सांग देख पारे छतु को आम भल भाव धोईकी काटि नहींचे तो ये चलतु किचन को जी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत करवा हाँ यही छतु को आपड़े कौन कहते ना कौन प्लीज कमेंट करें आम जानवा हाँ चलतु एवं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करवा तो सांग मैंने किचेन को आसी जाइए तो प्रथम गैस टा को आम ऑन करदे गैस को मुझे ऑन बसईदे आम कड़ाई नेक्स्ट आम सोरस तेल ये आम यूज करवा तो बेसी तेल ये आम दबानी अल्प तेल ही करवा तो पखापाखि 50 ml तेल यूज करवा क्या अल्प तेल हमें करवा
नेक्स्ट प्रोसेस तो तेल को किसी समय गरम हवा को दबा तो संग माने एबे देखि पाथुए हम तेल गरम हे सारिची तो या पते कोन करिवा जो हमें सुखिला लंका नेचे देखि पाथुबे तो ये तीन चारोटी चार पांचटी सुखिला लंका ताकु दुई भाग करी पकई देबे तापरे हमें नेथवा जो सोरिष ये सोरिष को हमें पकईदबा सोरिष को मु पकई देली तो सोरिष को फुटीबा जाके हमें वेट करिबा तो सोरिष फुटला समय टिके डिस्टेंस मेंटेन करिवे देख पाथिबे सोरिष हमर पूरा चकमक होगी वर्तमान फुटी सारिलानी तो यही स्टेज रे यही स्टेज हम कौन करिबा हम जो कंचा लंका आउ जो मतलब प्याज ताको हम एथि पकाई देबा तो संग माने देखि पाथिबे हमर प्याज रो वर्तमान स्थिति ओके जाय छी जमा जी चिकन आ मटन गला वाला जो ब्राउन कर दी से ब्राउन कर करिया के आवश्यक नहीं तो एई स्टेज रे हम कोन करिबा नाम रखी थी टमाटो जो गोटे टमाटो को हमें काट के नहीं थे तो यही टमाटो को बर्तमान आम ये आड कर नबा तो बर्तमान आपको आम टेमती प्याज सांगे गोलई नबा मन रखे ये छतु भजा कला बेले पानी जमा भी पानी देवे ना कहीं आम जो छतु पकेबा से पानी बहुत बाहर आई पानी ही से छतु सीझीज तो आपको आम दुई तीन मिनट एमती आपको टे टमाटो को मेल्ट हाँपाई छाड़ा आपर आम आवश्यक अनुसार लुण भी आम ये पकई नवा तो जितक भी टेस्ट अकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग टू टेस्ट लुण ये पकई ने आई स्टेज रे आम जो मसला गुड़ाक आम रखी थे अल्प टे मसला मो आगे कही रखी आम लंका गुंड टे धनिया गुंड आम सब्जी मसला आए हल्दी गुंड ताकि ठीक ठाक कलर आसो ताको आम यही स्टेज आम पकई ना तो या मसला पड़ जा संभावना थाए से कौन ना मसला सांगे टे गरम पा व्यवहार कर ये गरम पा टे व्यवहार करेंगे बस गरम पा व्यवहार कर पकईदे तो ये मु मसलार पा या आम अपेक्षा करवा ठीक यही स्टेज में देख पाते प्याज रंग कौन हो ठीक यही स्टेज आम मसला को आड कर नवा ये मसला आम आड कर नहींचे तो एम टे समय आपको ढाँचवा हाँ जैसे कि पानी आम देचे ता गरम पा व्यवहार करे आ कि भी पा आम दबापाई आवश्यक पड़े नहीं देख पाथे बर्तमान यही स्टेज रे यही स्टेज रे आम कौन करवा आम रखी छतु को आड करवा छतु को बर्तमान मुझे पकाऊ तो छतु को पकई सारापर आपको भल भाव मसला सहित मिसईदेव तो सांग मैंने देख पाथे मुझे भल भाव छतु को मिसई सारी बर्तमान कौन करवा आपको किसी समय पर घोड़ेदे तो एमती तीन रु चार मिनट आपको घोड़े ना मझे मझे देखा घाटी नौ तो सांग मैंने
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପାଣି ଦେବେନି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପାଣି ଏଠି ବାହାରି ସାରିଛି। ତ ଏଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଏ ପାଣି ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଛତୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ସିଧା ପାଣି ମରି ସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଛତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସାରିଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ରାଇସ୍ ସହ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଛତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଆଗ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁକ୍ଟା କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ବାଲି ଛତୁ ଲାଗେ, ବାଲି ଛତୁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ହିଁ ଆସୁଛି। ବେଶୀ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ତା ସେଞ୍ଚ ଆର ଆର ବାସ୍ନା ତା ବାସ୍ନାରେ, ବାକି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଭାତ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଛତୁର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି। ମୁଁ ଆଗ ଭାତକୁ ଛତୁକୁ ଖାଉଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତ ଆଜିର ଖାଇବା ପୁରା ଜମିଗଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ। ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଛତୁ, ଭାତ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ତ ଛତୁ ବି ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଟିକେ ମୁଁ ଡାଲି ଗୋଳେଇକି ବି ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କମିଯାଉଛି, କାରଣ ଡାଲିର ସେଣ୍ଟଟା ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଭାତକୁ ଛତୁକୁ ଗୋଳେଇ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାମ୍ପଡ଼ ମିଳିଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।